हेलो दोस्तों, मेरा नाम इंजमाम और आप देख रहे हैं इंजमाम की चैनल इंजमाम एडिट। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हैं आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पिक्सआर्ट में आप अपने मॉडल की कटिंग और ख़ास तरीके से हेयर की कटिंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक हेयर की कटिंग। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप अपना पिक्सआर्ट ओपन कीजिए और उसमें अपने मॉडल को सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लिया हूँ। उसके बाद फिर आप ड्रॉ टूल में जाइए। ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपको सिंपली कोने में कलर का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और वाइट को सिलेक्ट कीजिए। वाइट को सिलेक्ट करने के बाद आप साइज को चुन, साइज को एडजस्ट करें, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ओपेसिटी पूरे 100% ब्रश फर्स्ट वाली और साइज लगभग 40-42 ऐसे ही लगभग रख लीजिए। और सिंपली अपने बॉडी पर, सिर्फ बॉडी पर ब्रश कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। सिंपली फिर से मैसेज के ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करके ये ब्लर वाला ब्रश ले लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। आप भी वैसे ही कीजिएगा और साइज अपने मुताबिक रख लीजिए और फिर किनारे किनारे फेस पर चला दीजिए, ब्रश चला दीजिए किनारे किनारे, जैसे कि मैं यहाँ पर चला रहा हूँ। मैं साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, मैं जैसे जैसे चला रहा हूँ आप भी बिल्कुल वैसे ही चलाइएगा अपने बॉडी पर, सिर्फ बॉडी के बाहर नहीं। और यहाँ पर इतने थोड़े थोड़े बाल जो ऊपर वाले दिख रहे हैं उसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर आप साइज को अपने हिसाब से लगभग 10 रख के, जो हार्ड हार्ड बाल दिख रहे हैं, कड़े यानी हार्ड हार्ड बाल, उस पर चला दीजिए सिंपली, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने हार्ड हार्ड बाल पर चला ले रहा हूँ। जैसे कि मैं चला रहा हूँ सिंपली वैसे ही चलाइएगा। अपने जहाँ जहाँ पे हार्ड हार्ड बाल दिख रहे हैं आपको पूरी कवर कर लेनी है। मैं साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हार्ड बाल है इसलिए। अब मैं फिर से 10 साइज सिलेक्ट करके अपने हार्ड हार्ड बाल को सिलेक्ट कर लूँगा। जितने भी हार्ड हार्ड बाल आपको देख रही है साइज 10 पे रख के आपको पूरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरे यहाँ पर भी जितने भी बाल दिख रही है सब हार्ड हार्ड है। ये देखिए मेरे 10 वाले साइज हो गया हार्ड हार्ड वाला। अब मैं 5 साइज रख के, 5 साइज रख के थोड़ी कवर कर लेता हूँ, थोड़ा इससे जो कम हार्ड बाल है। बाकी जो दिख रहा है वो और साइज कम हो के कवर होगी। सिंपली मैं इसे 5 साइज रख के जितने भी बाल इसमें आ जा रहे हैं उसे मैं कवर कर लेता हूँ। सिंपली आप भी ऐसा ही करिएगा। इस साइज सिलेक्ट करके लगभग 2 रख के हम जितने भी पतले पतले बाल दिख रहे हैं एकदम, जो बिखरे वगैरह एकदम हल्के जो दिख रहे हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। और याद रख, ब्रश जो लेंगे वो ब्लर वाला लेना ताकि अच्छे से मर्ज हो जाए। वही जितनी भी दिख रही है पतले पतले बाल किनारे किनारे जितनी भी बिकी हुई
सबको एक एक करके उठा लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ। एक एक बार आपको जिधर भी दिख रही है पूरी एक एक बार ले लेना, दो वाली, फिर साइज कम कर। ओपोसिटी तेज और साइज अपने हिसाब से 50 या 60 रख के ये किनारे किनारे ब्रश वाले ब्रश चुन के, ब्लर वाले ब्रश चुन के किनारे किनारे चला लीजिए, ताकि जो बाल है हमारा वो ऐसा ना लगे कि अलग टाइप से एडिट हुआ है, कटा, ये मर्ज हो जाए हमारी इस बाल में मर्ज हो जाइए। इसीलिए ब्रश वाले, ब्लर वाले ब्रश चुन के ओपोसिटी कम करके 23-20-30 लगभग में, और साइज अपने हिसाब से 50-40 रख के किनारे किनारे चला लीजिए, ताकि बाल मर्ज हो जाए। मैं साइज 2 और ओपोसिटी 98% या 100% रख के मेरे किनारे किनारे एक दो बाल जो है दिख रहे हैं मैं उसे कवर कर लेता हूँ। ये मेरी देखिए पूरी कंप्लीट हो गई, मैंने पूरी कवर कर लिया। अब मैं एक एम्प्टी लेयर लेकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मेरे एक एक हेयर देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, एक एक हेयर मैंने किस तरीके से कटिंग की है देखिए। ये मैं आपको दिखाने के लिए लिया था एम्प्टी लेयर, इसको डिलीट कर दीजिए। और ये जो दिख रहा जो वाइट वाले मैंने इरेज किया उसको मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीपल करिए। ये देखिए हमारे एक एक बाल जो कि रिमूव हो गए हैं, ये देखिए एक एक बाल हमारे यहाँ से रिमूव हो गए हैं। ये देखिए एक एक बाल हमारे यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं, बैकग्राउंड परफेक्टली तरीके से रिमूव हुई है। आप सिंपली से 3 डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज पर क्लिक कीजिए और सेव कर लीजिए वीडियो को, सॉरी फोटो को सेव कर लीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।